हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्लस फ़ोन है तो रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जो भी एड्स आती है किसी भी ब्राउज़र या किसी भी ऐप्स की एड्स है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है तो आप उस एड्स को कैसे अपने फ़ोन की डिस्प्ले से हटा सकते हैं या फिर कैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन की एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर पाएंगे रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर पाएंगे रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन एड्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इसमें से आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐप सेटिंग्स, तो ऐप सेटिंग्स पे जाना है। जिस भी ब्राउज़र से ऐप्स की एड्स है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है तो उस ब्राउज़र से ऐप्स की ऐड को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको बस स्टोरेज यूसेज पे जाना है और मैनेज स्पेस को आपको यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना है जिससे आपके जो भी ऐप्स या ब्राउज़र्स की एड्स हैं जो स्क्रीन पे आ रही होंगी वो हट जाएंगी और आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, और साथ में ही देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में स्पेशल ऐप एक्सेस का यूज़ भी कर सकते हो डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स के जरिए। किसी भी अलाउड ऐप्स के जो भी एड्स आ रही हैं उसको आप डोंट अलाउ करके स्क्रीन एड्स को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को आप ऑफ़ कर सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन में। नहीं तो आपको एडवांस सेटिंग्स पे जाना है। एडवांस सेटिंग्स पे जाकर ऐड सेटिंग्स पे जाकर जहाँ से आपको ऐड रीसेट ऑप्शन दिखता है जिससे ऐड सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर पाएंगे और हटा सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।